पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जहां एक ओर सरकार मुरादाबाद की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में लगी है, तो वहीं बाट 50 के दौलतबाग की सड़कों की हालत खस्ता बनी हुई है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, समझ नहीं आता। बाट 50 की सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसके कारण आए दिन रोड पर दुर्घटना होती रहती है। टूटी हुई सड़कों के कारण आए दिन बच्चे महिलाएं सड़क पर गिरते रहते हैं। पिछले 3 माह से सड़क का हाल ऐसी है। इस सड़क पर ना ही किसी प्रशासन की नजर पड़ रही है और ना ही नगर निगम की। इस बाबत जब हमारी पब्लिक टीवी टीम ने वहां के क्षेत्रवासियों से बात की, तब उन्होंने बताया कि कई बार नगर निगम में इसकी शिकायत की गई है, लेकिन अब तक नगर निगम से कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी अजय नाम है, ये दौलतबाग वाल्मीकि नगर। ये इसे होगा कम से कम 2.5 महीने लगभग। देखता है अभी काम चालू हुआ था, वो भी रुक गया। और हम लोगों ने बोला भी, यहाँ पर काफ़ी नुकसान भी हुआ, बच्चे बच्चे भी गिर जाते हैं स्कूल के, तमाम बजरी पड़ी यहाँ पर, पूरा रोड खराब पड़ा है यहाँ का। सर ये कई बार कह दिया, मगर यही हो जाता है, बोले साहब नाली की पुलियों की वजह से नहीं हो रहा काम। काम नहीं होगा तो काम तो खराब हो गया, बच्चे बच्चे भी गिर जाते हैं। कई बार लड़कियाँ भी गाड़ी ले लेके गिर गई हैं यहाँ पर। ये कम से कम 2.5 महीने से 3 महीने हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी काम चालू हुआ था, फिर रुक गया काम, यहाँ से चलेगा। और कहते हैं हम लोग तो कह देते हैं, बोले अभी नहीं हो रहा, होएगा जब, तो टाइम लगेगा इसमें। चाहते हैं जितनी जल्दी हो जाए यहाँ पर काम हो जाना चाहिए, क्योंकि रोड पूरी खराब पड़ी है। मोहम्मद नाबी, मामला क्या है, सिविल लाइन की वजह से सड़क टूटी थी और सिविल लाइन यहाँ पड़ी नहीं है, और रोड छोड़ करके चले गए हैं। ना तो सिविल लाइन पड़ी है, ना ही रोड पड़ा है। 2 महीने हो गए हैं। नगर आयुक्त साहब से भी की और अपने मेंबर साहब से भी की, हमारे उनसे भी कम्प्लेंट। ये दौलतबाग वार्ड 50, इसमें दो वार्ड लगते हैं, साइड में जो है 40 और 50 है, दोनों मेंबर से कम्प्लेंट। पार्षद का कहना है कि मैंने ऊपर कम्प्लेंट कर रखी है, अभी कोई सुनवाई नगर निगम से भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो वहीं जब बाट 50 के पार्षद से बात की गई, तो उन्होंने सीवर लाइन पड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि सीवर लाइन की वजह से ये सड़क नहीं बन पा रही है, और वही क्षेत्रवासियों का कहना था कि नगर निगम में कई बार इसकी शिकायत दी गई है और लेटर भी दिया गया है, लेकिन नगर निगम 3 माह सिर्फ आश्वासन देता रहा है। अब देखना यह होगा कि यह खबर चलने पर बाट 50 दौलतबाग की सड़क का निर्माण होता है या सिर्फ कागजी कार्यवाही में ही सड़क निर्माण होती है। अब इस बार हम नगर निगम की लापरवाही समझें या सीवर लाइन की, देखते हैं आगे क्या होता, सड़क बनती है या नहीं। मैं शकील अहमद वार्ड 50 से पार्षद हूँ कांग्रेस से। इसे तो 2.5 महीने से ज्यादा ही होगा, इसमें टेंशन नहीं आई है। सड़क तो बनने जा रही थी, टंडल भी इसका पार्क हुआ है, और इसमें सिविल लाइन नहीं है। इसमें बड़ी सिविल लाइन वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, और सड़क उखाड़ तो ली थी, जिस ठेकेदार ने उखाड़ी थी उसको ये नहीं मालूम था कि सिविल लाइन नहीं है इसमें। और जब सिविल लाइन का पता चला तो काम रुक गया। अगर सड़क डल जाती तो उसमें नुकसान हो जाता नगर निगम का, सिविल लाइन पड़ जाएगी तो ये सड़क पड़ जाएगी। और भी समस्या हमारे वार्ड के अंदर काफी है, जब पानी में रेता वगैरह आ गया है, ट्यूबवेल अभी तक नहीं लगा, जलकर विभाग इसको भी नहीं कर पा रहा। लेने वाले के पास अगर वार्ड 10 दिन पहले आए थे, लेबर के सुपरवाइजर सब थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि कल काम स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने कर दो तो बहुत बढ़िया बात है, इससे पहले हो जाता तो अच्छे से लगे। त्यौहार का टाइम है, धूल मिट्टी बहुत है, सब पब्लिक परेशान है, रोड पे जितने भी दुकानदार है सबका कारोबार खराब पड़ा हुआ है। रोड पे गड्ढे थे और अब और ज्यादा सड़कें खराब हो गई, रात को परेशानी होती, दिक्कत नहीं आती, चलता है तो गड्ढा दिखाई नहीं देता। बाकी तो लाइट वगैरह भी नगर निगम ने लगवा रखी है। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग ये जितनी जल्दी अगर बन जाए तो अच्छी बात है, जल्द ये जो है सिविल लाइन वाले, इनका पता तो होता नहीं इनका ठेकेदार कहाँ है, घर बैठे टंडल ले लेते हैं और पार्षद को बताते नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। अगर जितनी जल्दी ये काम हो जाए अच्छी बात।